देखिए दोस्तों कितना मस्त जो है फुहारा चिकन जो है सभी प्लेट में जो है डाला जा रहा है। चिकन जो है आ चुका हमारे प्लेट में, चावल बन रहा है दोस्तों। हमारा चिकन जो है इसमें बन रहा है क्योंकि हम लोग जो है कढ़ाई घर पे ही भूल गए और करछुल जिसको छोलनी बोलते हैं हम लोग घरेलू भाषा में, उसके जगह पे हम लोग जो है लकड़ी जो है यूज कर रहे हैं। देख सकते हैं बिल्कुल जो है देसी अंदाज में, क्योंकि जो हमारे पास साधन नहीं है। आप लोगों को कैमरे में जो दिख रहा है लोकेशन, ये भाई साहब मैं आप लोगों को क्या बता, अभी सुबह के 5:30 बज रहा है और मैं जा रहा हूँ घूमने के लिए भीम बांध। चलिए आप लोग भी हमारे साथ एंजॉय कीजिए। हम लोग जो है भीम बांध आ चुके हैं और अभी देखिए इस साइड जो नदी है, नदी के साइड इधर जो हम फर्स्ट बार आए हैं और नदी के साइड जो हम नीचे से इधर से जो है नीचे इधर से उतरते हैं। और ये जो है काफी पुराना निर्माण इधर किया गया, ये जो पुल जो बना हुआ है काफी पुराना निर्माण है और ये क्रॉसिंग के लिए बनाया गया है। और यहाँ पे जो है नहर है, वहां पे आगे के साइड बना हुआ है लेकिन इस साइड जो बना कुछ नहीं है। ये जो है बांधा हुआ जाली टाइप से बांधा हुआ है और यहाँ पे देखिए स्नान कर रहे हैं। ये जो है काफी पुराना जो है पुल बना हुआ है, मतलब काफी पुराना निर्माण किया गया है। इस साइड से देखिए, इस साइड देखिए, ये जो है काफी पुराना जो है पुल बना हुआ है। पानी जो है आगे के साइड नीचे तरफ गया हुआ है और अभी हम लोग जो है इधर घूम रहे हैं। इधर जो है काफी सारे लोग स्नान भी कर रहे हैं, देख सकते हैं काफी जो है खूबसूरत व्यू है। ये जो है ये पता नहीं डस्टबिन जैसा बना हुआ है, पता नहीं इसमें डस्टबिन ही है या फिर कोई दूसरा चीज। आप लोग को दिखाता हूँ, देखिए हाँ ये देखिए कचड़ा रखने वाला जो है देखिए किस तरीके से बना हुआ है डस्टबिन। भाई साहब बांस का बना हुआ है, मतलब एक ग्रेट बना हुआ है और इस तरीके से जो है आगे के साइड भी हमें देखने के लिए मिलता है और भी अलग थोड़ा सा गाछ वृक्ष है इस वजह से जो है छुप जा रहा है। एक आगे के साइड भी हमें जो है काफी अच्छा चीज देखने के लिए मिल रहा था, उस पर जो है चढ़ सकते हैं। तो यानी ये काफी मतलब बेहतरीन तरीके से यहाँ पे बनाया गया है और अभी जो है ये जंगल के बीचों बीच है। देखिए काफी जो है खतरनाक जो है उस साइड से जो आगे साइड पानी आ रहा है और देखिए वो जो है आगे बना हुआ है, तो काफी मतलब मस्त मस्त बना चीज है। और दोस्तों अभी जो है मुंह धो रहे हैं क्योंकि सुबह सुबह जो है हम निकले थे घर से, तो सोचे चलो मुंह यहीं पे धो लेते हैं। नुन्नू भीम बांध घूमने के लिए आ गया है। हम लोग का जो है चूल्हे यहाँ पे बनाया गया है और आग स्टार्ट हो चुका है जलना। देखिए इस साइड हम लोगों का बनेगा, लोकेशन जो है काफी जबरदस्त है। ये इतना गर्म पानी यहाँ से निकलता है कि मैं आप लोगों को क्या ही बताऊं। इसी पानी से जो है चावल को धोया जाएगा और भरसक उम्मीद है ज्यादा देर यहाँ पे हम चावल रखेंगे तो चावल भी बन जाएगा। देखिए कितना जो है काफी ज्यादा हीट जो है काफी ज्यादा, अगर इसको इसको इस पानी को छू भी नहीं सकते हम। देखिए कितना ज्यादा भाप बन के यहाँ पे जो है कूड़ा उड़ रहा है और ये पोखर है और इस पोखर में जो है काफी ज्यादा पानी है, इसमें जो है कोई नहाता इसलिए नहीं कि यहाँ का जो पानी जो है काफी ज्यादा हीट है। ये भैया लोग जो है ये सारा चिकन जो है इसी गर्म पानी से मतलब छील रहे हैं इसका पंख। देखिए बहुत गर्म पानी, बहुत ज्यादा ही गर्म पानी। देखिए पानी जो है चिकन को जो है डाल रहे हैं पानी में और फिर उसका पंख निकाल रहे हैं। मुर्गा को आप लोग जो है यहाँ पे छील रहे ना? हाँ। तो कितना कितना केजी आप लोग मुर्गा लेकर? हम लोग 8 केजी मुर्गा लाए हैं। 8 केजी सारा मतलब यहाँ पे आप लोग खुद से कट किया? हाँ। अच्छा तो इसको जो है ऊपर वाला पंख निकाल रहे ना? हाँ। कोई दिक्कत निकाले? कोई दिक्कत नहीं, गर्म पानी में देने के बाद जो है ना। हाँ। हम लोग का यहाँ पे देखिए चावल बन रहा है और एक प्रॉब्लम ये हो गया था कि जो है हम लोग कढ़ाई घर पे ही भूल गए थे, एक बोरा में रखा हुआ था और पूरा बोरा ही जो है घर पे ही छूट गया। और यहाँ पे पता करने बाद पता चला कि 200 रुपया जो है कढ़ाई का ले रहा है। तो यहाँ पे वैसे सामान मिलता है, अगर भूल जाएगा तो यहाँ पे मिल सकता है लेकिन ये कि आपको प्राइस जो है काफी ज्यादा लेंगे, तो इसलिए जो है काफी देख के आप लोग हिसाब से चलना, नहीं तो प्राइस आपको ज्यादा पे करना पड़ेगा। और पहाड़ के बीच जो है हम लोग अभी पिकनिक करेंगे तो काफी मजा आएगा। देखिए इस साइड जो हम लोग का बन रहा है और यहाँ पे जो है ऊपर के साइड जो है गर्म पानी ऊपर से आ रहा है और हर जगह ही गर्म पानी निकलता है यहाँ पे। और हमारा जो है चावल भी बन के रेडी ही होने वाला है, देख सकते हैं। देखिए दोस्तों कितना मस्त जो है फुहारा से पानी निकल रहा है और गर्म गर्म पानी, सभी लोग नहा रहे हैं। अभी जो है बहुत कम लोग नहा रहे हैं, धीरे धीरे यहाँ पे जो है भीड़ ज्यादा हो जाएगा, देख सकते हैं दोस्तों। ये है यहाँ का भीम बांध का नजारा, इस साइड का ये है भीम बांध पार्क का नजारा।
देखिए काफी खतरनाक नजारा है यहाँ पे, जो है झूला वूला सब कुछ लगा हुआ है इसमें, लेकिन हम जो है खिला रहे हैं बब्बू को, क्योंकि इसकी मम्मी जो है गई स्नान करने के लिए और हम सोचे वीडियो बनाएंगे, लेकिन अब क्या करें, अब इसी के पास घूम बोल रहे हैं। क्या रे बब्बू, सही बात है ना रे? दोस्तों हमारा चिकन जो है इसमें बन रहा है, क्योंकि हम लोग जो है कढ़ाई घर पे ही भूल गए, और करछुल जिसको छोलनी बोलते हैं हम लोग घरेलू भाषा में, उसके जगह पे हम लोग जो है लकड़ी जो है यूज कर रहे हैं, देख सकते हैं बिल्कुल जो है देसी अंदाज में, क्योंकि जो हमारे पास साधन नहीं है। अगर हम किसी पास लेते भाड़ा में तो 200-300 रुपये हमें लग जाता है। तो आप लोग जब भी आइए तो ध्यान से आइए, भूलिए मत। और इधर देखिए लकड़ी भी जंगल से चुन के लाया गया है, और इस साइड जो है चावल इसमें जो है रखा गया है, चावल इसमें, क्योंकि जो है कढ़ाई हम लोग के पास नहीं है, इस वजह से चावल इसमें रखा गया। देख सकते हैं ये बना हुआ है, और इसी में जो हमारा चावल है, सब मिल के चावल खाएंगे। एक जो है ये देखिए सखुआ का पत्ता है, सखुआ के पत्ता पर जो है चावल रखा गया है और गमछे से बांध के रखा हुआ है। बाकी इधर जो है सारा सामान है, लकड़ी है, और हमारा चिकन जो है इसमें बन रहा है। देख सकते हैं देखिए कैसा बनता है, क्योंकि गड़बड़ हो चुका है दोस्तों इसमें जो है। देखिए पानी जो है पूरा है, हालांकि ठीक ही लगेगा खाने में, बाहर में ठीक ही लगता है खाने में, लेकिन ये बात है कि अच्छे तरीके से जो है पक जाएगा, अच्छे तरीके से पकने में कोई दिक्कत नहीं होगा। देख सकते दोस्तों यहाँ पे जो है काफ़ी सारा स्कूल के बच्चे भी घूमने के लिए आए हो, क्योंकि आज जो है संडे है, इस वजह जो है हर जगह जो स्कूल के बच्चे, अलग अलग स्कूल के बच्चे हमें दिख रहे हैं। अभी जो है हम जा रहे हैं कुंड की तरफ स्नान करने के लिए, और जूता भी खोल दी, इसमें जो है पखल जो है काफ़ी ज़्यादा है, पैर में चुभ भी रहा है। अब जो है हम जो है एंट्री करने वाले हैं, इधर ही कुंड है तो आगे के साइड हम एंट्री करते हैं और चलते हैं कुंड की तरफ। और दोस्तों देखिए भीड़ भी जो है काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, देख सकते हैं कुंड की तरफ आ चुके हैं, और भीड़ जो है काफ़ी ज़्यादा है। इधर देख सकते हैं भीड़ जो है काफ़ी ज़्यादा हमें देखने के लिए मिल रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे जो है पूरा ही भरा हुआ है। और इस साइड आप लोग को थोड़ा सा इधर आ जाइए, थोड़ा सा आ जाइए, और इधर भी दिखाते हैं आप लोग को, हर जगह जो है यहाँ पे एकदम पूरा जो है पूरा, देख सकते कितना ज़्यादा भीड़ है। देखिए यहाँ से जो है किस तरीके से गर्म पानी निकल रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे जो है अलग अलग जगह से गर्म पानी निकलता है। और इस साइड देखिए, उस साइड जो है महिला लोग का बना हुआ अपार्टमेंट है, इधर जो है पुरुष लोगों का बना हुआ है, और यहाँ पे बच्चा का बना हुआ है। और देखिए भीड़ जो है कितना ज़्यादा हो चुका है, भीड़ जो है काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। इस साइड जो सौर प्लेट भी जो है काफ़ी ज़्यादा चीज लगा हुआ है, तो सर दिखाइएगा, क्योंकि सौर प्लेट भी लगा हुआ है, जो कि लाइटिंग के लिए भी काफ़ी अच्छा भरपूर व्यवस्था किया गया हुआ है। और यहाँ पे देखिए भीड़ जो है, मतलब यहाँ पे हर एक बच्चा और बूढ़े सब लोग, हर लोग यहाँ पे आते हैं और नहाते, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे गर्म पानी देखने के लिए मिलता है। और ये पानी तो यहाँ पे जो है काफ़ी बेहद ज़्यादा हीट है, यहाँ पे ये पखल भी जो है काफ़ी, ये भाई साहब ये अलग नेक्स्ट लेवल का हीट है, इसमें जो तो हाथ भी नहीं दे सकते, ये लगता है ओवर हीट है यहाँ पे। और देखिए ये जो बना हुआ है, इसमें जो है इधर से ही नीचे से जो है अंदर से पानी आता है, उस सेट किया गया है, और इसमें जो है पानी देखिए रहता है, और आगे इसी से जो है पानी उधर जो बना हुआ है अपार्टमेंटल बना हुआ सबका, उसी में जो है पानी जाता है। और वहाँ पे देखिए एक फुहारा भी जो उधर चल रहा है महिला लोगों की तरफ, जो है फुहारा भी इधर वाला जो है अभी थोड़ा सा ऑफ कर रखा है, पुरुष वाला थोड़ा दिखाइएगा, पुरुष वाला थोड़ा सा इधर ऑफ कर रखा है, बाकी उस साइड जो चल रहा है। अभी हम जो है स्नान कर रहे हैं, चलते दोस्तों, इतना ज्यादा हीट है कि एक बार में जो है बर्दाश्त नहीं हो रहा है, फिर से एंट्री लेकर एंट्री करेंगे। एक बार में आप जब एंट्री कीजिएगा तो तुरंत बाहर निकल जाएगी। गंदा कर रहे हैं, अभी थोड़ा सा लगता है 4-5 मिनट में वेट करना पड़ेगा, तब जाके हम पूरा जो है नहा पाएंगे, धीरे धीरे जो है बॉडी माहौल में ढलेगा तब जाके नहा पाएंगे। क्या होता दोस्तों, एडजस्ट ही नहीं हो पा रहा है, इतना जोर से खड़ा हो रहा है। दोस्तों ये देखिए जो है बना हुआ है गली जैसा, छोटे छोटे चाकू जैसा बना हुआ है, 3 गो, काफ़ी मस्त बेहतरीन बना हुआ है ये, काफ़ी अच्छा लग रहा है दिखने में और काफ़ी खतरनाक है। इस साइड जो है आप लोगों को पार्क देखने मिलेगा, और इस साइड जो है काफ़ी मतलब डिजाइनिंग जो है काफ़ी अच्छा किया हुआ है, और कुछ कुछ चीज़ें थोड़ा सा और भी यहाँ पर अच्छा से बनाया जा सकता था, लेकिन चलो जो भी है ठीक है। थोड़ा सा नहाने में क्या होता है कि लोग जो है थोड़ा सा गंदा कर देते हैं नहाने की जगह पर, लेकिन ये बना हुआ यहाँ पे जो घूमने के लिए काफ़ी अच्छा भी बनाया गया है,
आगे देखिए आप लोग को लेते चलते हैं और दिखाते हैं। और इस साइड जो है सभी जो है बांस के यहाँ पे बैठने के लिए बनाया हुआ है, देख सकते हैं आप इधर आके जो है बैठ सकते हैं। 3-4 बना हुआ है यहाँ पे, काफी बेहतरीन बना हुआ है दोस्तों। और ये जो है आपको इधर जो है ठंडा पानी है इसमें, सभी जगह तो यहाँ पे गर्म पानी ही निकलता है लेकिन इसमें जो है ठंडा पानी निकलता है, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं स्नान करता है क्योंकि ठंडा पानी में, ठंडा दिनों में कौन नहाएगा, इसलिए ठंडा पानी में तो कोई नहीं नहाता है, सभी लोग जो है गर्म पानी की तरफ नहाते हैं। और देखिए आगे के साइड से पानी आता है, किस साइड से पानी आता है कुंड में वो अभी आप लोग को दिखा रहा हूँ। स्विमिंग पूल में जो आप नहाते हैं वो पानी इस साइड से ही आता है। और आगे आप लोग लेते चलता हूँ, दिखाता हूँ आप लोगों को। देखिए दोस्तों इसी साइड से पानी आता है, हाँ देखिए इधर से पानी आता है जाता है, और इधर जाली लगा हुआ है। तो यहाँ पे जो है आप लोगों को काफी झूला चढ़ने के लिए मिलेगा। यहाँ पे देखिए इस पे जो है पक्खल जैसा बना हुआ लगता है, और इस पे आप चढ़ सकते हैं ऊपर नीचे उस साइड उतर सकते हैं। यहाँ पे इस साइड जो वेट कर सकते हैं, ये भी जो है दो बंदे जो है मस्ती कर सकते हैं। इधर आगे घूमने वाला झूला जो है काफी सारा है, काफी सारे बच्चे लोग झूल रहे हैं, देख सकते हैं काफी। यहाँ पे जो है एक ग्रेट व्यू देखिए देखने के लिए मिल रहा है, हर लोग जो है यहाँ पे झूलते हैं एंजॉय करते हैं, और बच्चे जो है उधर गिर जाते हैं। देखिए काफी जो है इस साइड का जो है खतरनाक लोकेशन। और यहाँ पे जो है महिला के लिए, महिला लोगों के लिए बना हुआ है देखिए। और आगे साइड पुरुष, देखिए काफी खतरनाक व्यू, ऊपर का साइड काफी खतरनाक व्यू, ये देखिए भीम बांध का नजारा। यहाँ पे जो है सुरक्षा के लिए भी जो है सुरक्षा बल भी है मौजूद। चलिए दोस्तों आप लोग को पहाड़ तरफ चलते हैं और पहाड़ के ऊपर से आप लोग को व्यू दिखाते हैं। दोस्तों हम जो है अभी छोटा सा पहाड़ पे चढ़ चुके हैं, यहाँ से जो है काफी दूर दूर जो भी ऊंचा ऊंचा पहाड़ है सभी दिख रहा है, और नीचे से जो है कुछ और लोग भी आ रहे हैं। और यहाँ पे मैं अकेले हूँ ऊपर में, अभी मेरे देखे हुए मेरा भतीजा उतर जा रहा है, और कोई भी नहीं। इस साइड भी देखिए पहाड़ है, काफी मतलब पहाड़ ही पहाड़ है सभी चारों तरफ, और मस्त व्यू लगता है यहाँ पे। यहाँ पे जो है काफी खतरनाक व्यू, इस साइड देखिए कितना बिल्कुल सॉलिड सॉलिड गाछ है। आगे के साइड भी देखिए पहाड़ है, उस साइड से धूप ज्यादा आ रहा है, इस वजह से उतना सही से फ्रेश फ्रेश कैमरा में आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, लेकिन देखिए काफी मस्त है। देखिए ऊपर में जो है कैसा, पता नहीं इसको कैसे पानी मिलता होगा पौधा को, कितना ग्रेट पौधा है भाई साहब। देखिए खतरनाक व्यू लग रहा है अभी पूरा पहाड़ पे, देखिए कैसा चट्टान कैसा कैसा पहाड़ पे। देखिए इस साइड भी व्यू, और इस साइड ऊपर का व्यू देखिए खतरनाक व्यू। पूरा इस पहाड़ पे जो है चारों तरफ आप लोगों को गाछ देखने के लिए मिलेगा, देख सकते किस तरीके से लगता है लोकेशन जो पूरा भयानक लगता है, लगता गजब ही। ऊपर पहाड़ से जब ऊंचा से जब नीचे और ऊपर ऊपर देखते तो काफी मजा आता है। शायद तक कैमरे में कुछ चीजें कैद हो रहा होगा, कुछ चीजें आप लोग को उतना अच्छा नहीं भी लग रहा होगा, लेकिन जो व्यू यहाँ का आंखों से जो देख रहा हूँ वो एक अलग ही चीज यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। और बिल्कुल यहाँ पे भी लोग देखिए चिकन उकन बनाते थे, लेकिन अभी जो है अभी ऊपर तरफ नहीं आते क्योंकि थोड़ा सा ठंडा ज्यादा होगा तब लोग ऊपर में आ गए, अभी गर्म का टाइम है, ज्यादा धूप है इस वजह से ऊपर की तरफ नहीं चढ़ते। ये जो व्यू आप लोग को दिख रहा है ये खतरनाक व्यू लग रहा है भाई, मैं आंखों से देख रहा हूँ, मुझे बिलीव नहीं हो रहा है क्योंकि ये पहाड़ है, पहाड़ पे जो है सभी जगह गाछ है, और गाछ का जो व्यू लग रहा है वो काफी, जिसे सुनसान सिर्फ रहता है गाछ वृक्ष नहीं रहता तो उतना मजा नहीं लगता, लेकिन जो गाछ वृक्ष दिख रहा है वो एक अलग ही व्यू दिख रहा है। ऊपर से जब हम देख रहे हैं तो काफी खतरनाक व्यू लग रहा है, देखिए कितना मस्त है। नीचे के साइड जो है लोग पिकनिक कर रहे हैं, और बगल में पोखर है, और देखिए क्या व्यू लग रहा है, खतरनाक भाई साहब। दोस्तों देखिए ये जो है कितना जबरदस्त गाछ, ये देखिए पहाड़ में जो है, पहाड़ से जिसका जो है चट्टान में जो है, ये देखिए चट्टान में इसका जो है पार्ट घुसा हुआ है गाछ का, और झूलने जो है नीचे इसी साइड से हम लोग देखिए उतरेंगे नीचे साइड, और बगल में पोखर है, आ जाइए। ये व्यू देखिए पोखर का, पोखर का ऊपर से मैं आप लोग को व्यू दिखा रहा हूँ, कितना खतरनाक व्यू है। और अब हम लोगों का खाना निकाला जा रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे जो चिकन इसमें बना है, क्योंकि हम लोग जो है कढ़ाई नहीं लेकर आए, और इधर जो है अंडा हो रहा है क्योंकि पानी में ये एक्सपेरिमेंट जो है फॉलो हुआ, एक्सपेरिमेंट वीडियो भी हमारा देख लीजिएगा अंडा वाला। और इधर जो है सभी प्लेट में जो है दिया जा रहा है, देख सकते हैं चिकन जो है सभी प्लेट में जो है डाला जा रहा है, देख सकते दोस्तों सभी प्लेट जो है एक बार में लगा दिया गया है, और एक बार में ही सभी लोग खा लेंगे। और इधर जो अंडा जो है अभी सीज ही रहा है दोस्तों, देख सकते हैं अंडा सीजने में काफ़ी टाइम लग जाता है। और देखिए इधर चिकन जो है आ चुका है हमारे प्लेट में, थोड़ा सा नीचे गिराते हैं और खाते हैं, और आप लोग को बताते हैं कैसा बना है। बना तो टेस्टी है, जबरदस्त बना है।
का काम कर दूंगा।